हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे ड्रिंक्स के बारे में जिनका आप यूज कर सकते हैं। स्पेशली इस ड्रिंक का आप यूज कर सकते हैं इतनी खतरनाक गर्मी में, अगर आप खुद को प्रिवेंट करना चाहते हैं, अगर आप खुद को हाइड्रेटेड रखना चाहते हैं, अगर आप गर्मियों में होने वाली बीमारियों से या फिर और जो अदर प्रॉब्लम होती है उस प्रॉब्लम से खुद को बचाना चाहते हैं, तो आज से इन सभी ड्रिंक्स का यूज करना स्टार्ट कर दीजिए। ये ड्रिंक्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्दी होते हैं और बहुत क्या करते हैं, आपकी बॉडी को हाइड्रेटेड रखते हैं, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा रखते हैं, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड वाली जो प्रॉब्लम होती है उसको इम्प्रूव करते हैं। तो ये ड्रिंक्स आप समर में यूज कर सकते हैं। जो इतनी खतरनाक गर्मी पड़ रही है, इसमें क्या करना है, कोशिश करनी चाहिए कि हम कितनी वाटरी चीजों का यूज करें, मतलब ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है और ऐसे फूड्स का यूज करना है जिसमें ज्यादा से ज्यादा पानी हो, जैसे खीरे का, खरबूजे का, तरबूजे का, जो मस्क मेलन आता है और भी बहुत सारी चीजें आती हैं, उन सभी चीजों का यूज करिए। ना तो स्ट्रीट फूड आइटम का यूज करिए, ना तो बहुत ज्यादा डीप फ्राइड फूड आइटम का यूज करिए और कोशिश करिए कि आप कम मसाले वाली सब्जी खाइए, सिंपल सब्जी खाइए और खाने पे ज्यादा फोकस नहीं करना। ज्यादा से ज्यादा हमें ड्रिंक्स का यूज करना है क्योंकि जितनी खतरनाक गर्मी पड़ रही है, अगर हम ओवरलोडेड मतलब बहुत ज्यादा हैवी डाइट लेते हैं तो इससे क्या होगा, हमारी पाचन शक्ति पूरी तरीके से कमजोर पड़ जाएगी और हमारा खाना सही से डाइजेस्ट नहीं होगा, जिसकी वजह से गर्मियों में हमें बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि समर में कौन कौन सी ड्रिंक्स का यूज करें जिससे हम अपनी बॉडी को फिट एंड फाइन रख सके। सबसे पहला जो है, एक नॉर्मल ड्रिंक आपको बनाना है, उसमें हम सभी चीजों को मिक्स करके बनाएंगे। जैसे कि आप नींबू ले लीजिए, खीरा ले लीजिए, पुदीने की पत्ती ले लीजिए और अदरक ले लीजिए। ये चारों ही चीजें आपकी बॉडी के लिए अच्छी होंगी, आपकी बॉडी को हाइड्रेटेड रखेंगी और साथ साथ में जैसे कि जब पसीना होता है तो पसीने से बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हमारी बॉडी से बाहर आ जाते हैं और वो इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। अब ये सभी चीजों को अगर हम यूज करते हैं तो हमें इलेक्ट्रोलाइट्स भी मिल जाएंगे सही से और जो मतलब कि हेल्दी चीजें बाहर आई हैं वो सारी चीजें बच जाएंगी, मिल जाएंगी। और जैसे कि अगर हम बाहर निकल रहे, इतनी खतरनाक लू में अगर हम बाहर जा रहे हैं तो इससे क्या होगा, हमारी बॉडी जब हाइड्रेटेड रहेगी तो हम अपने आप को डिजीज से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसीलिए आप क्या करिए, नींबू ले लीजिए, कुकुम्बर ले लीजिए और मिंट ले लीजिए और जिंजर, इन सभी चीजों को आपस में मिक्स करके और उसके बाद इस ड्रिंक का आप यूज कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी, आपको इलेक्ट्रोलाइट्स मिलेंगे, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी रहेगा और साथ साथ में आप अपने आप को बीमारियों से बचा सकते हैं। दिन में अलग अलग प्रकार के ड्रिंक्स का यूज करिए, खाना उतना मत खाइए जितना आप पानी, कोशिश करिए कितना पानी आप पी सकते उतना पानी पीजिए, इससे आपकी बॉडी भी हेल्दी रहेगी और साथ साथ में आपको गर्मियों में होने वाली प्रॉब्लम भी कोई नहीं होगी। लेकिन अगर आप ज्यादा खाने पे फोकस करेंगे और ज्यादा तली भुनी वाली चीजें लेंगे तो इससे आपकी बॉडी डिस्टर्ब हो सकती है। नेक्स्ट ड्रिंक आप जो ले सकते वो है एलोवेरा जूस। अब एलोवेरा जूस को बनाने के लिए हमें क्या करना है, आप सभी के घर में अगर एलोवेरा का पेड़ होगा तो उसकी पत्ती लेके आइए, उसके अंदर का जेल आप स्मूथली जो है चाकू से निकाल लीजिए, निकालने के बाद मिक्सर ग्राइंडर में डाल के उसे ग्राइंड कर लीजिए। फिर क्या करना है, उसमें उसका टेस्ट थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए उसमें एक नींबू का रस डाल दीजिए गाड़ के, उसके बाद उसमें थोड़ा सा शहद डाल दीजिए बस। और एलोवेरा भी हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होगा, आपको हाइड्रेटेड रखेगा, बीमारियों से बचाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखेगा और आपकी बॉडी के जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं उन्हें भी हेल्दी रखेगा, इसीलिए आप एलोवेरा जूस का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जूस है वो है बटर मिल्क छाछ। छाछ कैसे बनाना, दही लेके आनी है और उसके बाद जो है पानी उसके अंदर थोड़ा सा डाल के और हल्का सा आप उसे मिक्सर ग्राइंडर में क्या करिए ग्राइंड, तो आपके पास अगर जो जिससे क्या कहते हैं
बनाया जाता है वो ले लीजिए, और उसके बाद मत ना बोला जाता, मत दीजिए, उससे क्या होगा कि वो पूरी तरीके से दही और पानी आपस में मिक्सअप हो जाएंगे। फिर क्या करिए, उसमें थोड़ा सा काला नमक डाल दीजिए। काला नमक क्या करता है, टेस्ट को बढ़ा देता है और बॉडी के लिए भी अच्छा होता है। और फिर आप उसमें जो है भुना हुआ जीरा भी पीस कर डाल सकते हैं, फिर आप उसे पी लीजिए। अगर आप हर दिन एक ग्लास छाछ का भी यूज करते हैं, जैसे कि आप अलग अलग टाइम पे अलग अलग प्रकार के ड्रिंक्स ले रहे हैं, मतलब डिसाइड कर लीजिए इतने बजे हम ये ड्रिंक लेंगे, 2 घंटे बाद ये लेंगे, 3 घंटे बाद ये लेंगे, खाना हम कम खाएंगे, हम ये अलग अलग प्रकार के, मतलब जैसे पानी पीते पीते आप बोर हो गए तो क्या होगा कि जैसे सोचेंगे कुछ अलग प्रकार के ड्रिंक्स का यूज करें, तो अलग प्रकार के ड्रिंक्स में आप इन सभी अलग अलग प्रकार के ड्रिंक्स को अलग अलग टाइम पे यूज कर सकते हैं। टाइम आप डिसाइड कर लीजिए, तो आप कभी छाछ पी लीजिए, उसके 2 से 3 घंटे बाद एलोवेरा जूस पी लीजिए, 2 से 3 घंटे बाद जो हमने एक और जूस बताया है उसका आप यूज कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपना टाइम बना लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप इनका यूज कर सकते हैं। तो अगर आप छाछ भी पी रहे हैं तो इससे भी आपकी बॉडी ठंडी रहेगी, हाइड्रेटेड रहेगी और भी बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। नेक्स्ट है वो है जो है सौंफ। सौंफ ले लीजिए, पानी में भिगो दीजिए रात में, सुबह उसे पीस के उसका पानी बना लीजिए। सौंफ का भी पानी अगर आप मॉर्निंग में पीते हैं तो इससे आप बहुत सारी बीमारियों से, स्पेशली गर्मियों से अपनी बॉडी को बचा सकते हैं। अगला जो है वो है सत्तू वाटर। सत्तू का पानी बनाने के लिए आपको क्या करना है, सत्तू ले लेना, आपके घर में जो भी सत्तू है वो सत्तू ले लीजिए, 2 चम्मच सत्तू ले लीजिए, पानी में मिक्सअप कर लीजिए, उसमें आप ब्लैक सॉल्ट डाल दीजिए और थोड़ा सा नींबू डाल दीजिए, और उसमें आप पुदीने की मतलब पत्ती भी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप सत्तू का भी पानी बनाकर पी सकते हैं, ये भी आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखेगा, अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिशन आपको इससे मिलेंगे और साथ साथ में आपकी बॉडी हेल्दी भी रहती है। लास्ट है वो है आम पन्ना। आम पन्ना आप मार्केट से भी लेकर मतलब पी सकते हैं, नहीं तो आप घर पे भी बना सकते हैं। क्या करिए, जैसे कि जितने लोगों का बनाना है उसके अकॉर्डिंग आप मैनेज करके आम ले लीजिए, उसे उबाल लीजिए, फिर उसे छिल लीजिए, मिक्सर ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड कर लीजिए, उसमें थोड़ा सा मतलब भुना हुआ जीरा डाल दीजिए, काला नमक डाल दीजिए, फिर अच्छे से प्रॉपरली मिक्स कर दीजिए, 1 से 2 आइस क्यूब डाल दीजिए ताकि वो थोड़ा सा ठंडा हो जाए, फिर उसमें नॉर्मल पानी भी डालकर मिक्स कर दीजिए, मतलब बहुत ज्यादा ठंडा नहीं बनाना, एकदम नॉर्मल बनाना क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, तो थोड़ा सा ठंडा रहेगा तो टेस्टी भी लगेगा। हल्का सा ठंडा बनाकर आप इस अकॉर्डिंग आम पन्ने का भी यूज कर सकते हैं, मतलब गर्मियों में अलग अलग प्रकार के ड्रिंक्स का यूज करके, अलग अलग टाइम पे अलग अलग प्रकार के ड्रिंक्स का अगर आप यूज करते हैं और खाने से दूरी बना लेते हैं, स्ट्रीट फूड आइटम से दूरी बना लेते हैं, बहुत ज्यादा तली हुई चीजें नहीं खानी है क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अगर एक बार डिस्टर्ब हो गया तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए जितना ज्यादा हम कोशिश करें, अगर हम अलग अलग प्रकार के ड्रिंक्स का यूज करें, और कोशिश करनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा हम पानी का यूज करें ताकि हम अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रख सके, अपनी बॉडी को जो है गर्मियों से अलग अलग प्रकार की बीमारियों से बचा सके। तो आज से आप भी ये वीडियो केयरफुली सुनना है, क्या क्या हमने डिस्कस किया है अच्छे से सुनना है, कैसे बनाना है सारी चीजें केयरफुली सुनिए, और आप भी इस गर्मियों में अपने आप को बचाने के लिए इन सभी ड्रिंक्स का यूज करिए, ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए, खूब पानी पीजिए क्योंकि पसीना बहुत ज्यादा हो रहा है, बॉडी से अलग अलग प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट्स भी बाहर आ जाते हैं स्वेटिंग की मदद से, और न्यूट्रिशन भी, हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए, और ये नहीं खाने से एनर्जी नहीं, आप खाने में क्या करिए, ठंडी चीजों का यूज करिए, सिंपल सब्जियों का यूज करिए, कम मसालेदार वाली, बिल्कुल मसालेदार वाली सब्जियों का यूज मत करिए, और ज्यादा से ज्यादा ड्रिंक्स का यूज करिए ताकि आप अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रख सके और अपनी बॉडी को इस भयानक गर्मियों से बचाने के लिए इन सभी ड्रिंक्स का यूज करिए ताकि आप अपनी बॉडी को फिट एंड फाइन एंड डिजीज फ्री रख सके। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल नए, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना, शेयर करना। फिर मिलेंगे इस तरीके से और भी अच्छे से अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।